गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसी शाम सबको भाई। और भाई ये देखो, मम्मी चाय अपनी पोती को स्कूल भेज के और अपना बिस्तर में पड़ जाती है। अब चाय पी लेंगे और फिर मम्मी डिश हो जाएंगी। अरे रात्रि पता नहीं क्यों नींद ना आ रही। 2 दिन हो गए, पूरी रात 6 बज गए मने। तो मम्मी सो नहीं पाती, और मम्मी को चाय दूंगी तो मम्मी चाय वाय पी के अपना सो जाएंगी। और हमारे साथ पता ही है, वैसे शायद कुछ लोग सोचते होंगे ये लोग अजीब लोग हैं कि चाय पी के सोते हैं, तो भाई हम चाय पी लें, हम कॉफ़ी पी लें, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सो जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो बस चाय बना के मैं लग जाऊंगी अपने काम वाम निपटाने में, और मम्मी अपना सो जाएंगी। तो चलिए मैं अपना काम वाम निपटा लेती हूँ। चीनू अपना रोज़ की तरह अपने स्कूल गई, आज तो उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, बिल्कुल भी। करे क्या बोली थी स्कूल वालों ने बेचारे की आंखें ना खुल रही थी। आज? तो तनी कह रही मुझे गुस्सा आ रहा है आज स्कूल पे, इतना कोई लंबे पेपर करता है। सच में वो फर्स्ट रेट हो गई है। और इसमें से बड़े बच्चों की ना नॉर्मल क्लासेस है, उनके मतलब आज एग्जाम हो रहे हैं, फिर 3-4 दिन की छुट्टी, फिर आज एग्जाम हो रहे हैं, या तो नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन, ऐसी कुछ है यार। हद होता है यार, नर्सरी के बच्चे हैं, 10 पेपर मायने रखते हैं। पक गई है वो बेचारी। मैंने कहा बेटा बस कुछ दिन और झेल लो। तो बस वही, अब उसे छोड़ के आई हूँ, बड़ी मुश्किल से आज स्कूल गई है, नहीं तो आज एग्जाम नहीं होता तो आज वो छुट्टी ही कर लेती। तो चलिए भाई चाय वाय बना लेती हूँ, मम्मी को चाय दे के, मम्मी को दे, फिर चाय वाली घुट्टी दे के मम्मी को देते हैं सोने, फिर हम लगते हैं काम में। तो चलिए, काम वाम निपटा के चली गई थी मैं चाबी को लेने, तो भाई मैडम जी आ चुकी हैं। अब लगी अपना, आते ही अपना खेलने लग गई हैं। इसको बना के दिए मैंने अभी, देखो जैम ब्रेड, मुझे तो कुछ खा के पेट भर ले। अब ये देखो कैसे किसका खेल, देखो ये कौन सा खेल हो रहा है, क्ले लेके उसे बेल रही है बैठे बैठे। और एग्जाम कैसा गया आपका बेटा? ये पहले जैसी क्ले नहीं आती, अब ये ऐसी होती है। पता नहीं बेटा, हमारे टाइम में तो बहुत अच्छी आती थी, अब ये ऐसी आती है। हाँ कितना बड़ा डब्बा, इस पहले आपको उसे छोटी ला के दी थी वो भी ऐसी थी, अब आपको बड़ा ला के दिया डब्बा फिर भी वो भी ऐसा ही है, मैं क्या करूं। अच्छा सुनो, सबसे पहले ये बताओ आपके एग्जाम कैसे गए, आज आपका एग्जाम कैसा गया बताओ। आज ऐसा करोगे मम्मी के साथ? हाँ टेन क्ले इतनी बड़ी बड़ी होगी, बड़ी हो जाएगी फिर। अच्छा आपका एग्जाम कैसा गया बताओ तो सबको। अच्छा गया, क्या क्या आया था? ABCD, ABCD आती है, और मैथ में हाँ बैकवर्ड काउंटिंग, ओके। और हिंदी में पता नहीं, ओके। चलो मतलब ओवरऑल अच्छा गया एग्जाम है, चलो गुड। ड्रामा कर नंबर आ गया हमारा किचन में काम करने का। तो भाई किचन में बनाने लगे थे आज, मतलब रात को डिसाइड हो गया था कि बैगन की आलू की सब्जी बनेगी, या तो मम्मी छोंक देंगी या तो काजल छोंक देगी। तो मैंने कहा चलो कोई भी छोंके, तो मैं फटाफट से काट पीट के रख देती हूँ। तो भाई जैसी मैंने, मम्मी गई थी नहाने, मैंने कहा चलो मैं बैगन काट देती हूँ, मम्मी आके छोंक देंगी, जिस तरीके से छोंक रहा है मम्मी को, जिस तरीके खाने वो अपने आप देख लेंगी। तो भाई मैं लगी थी बैगन काटने, पहला बैगन काटा कीड़ा, दूसरा बैगन काटा कीड़ा, चौथा बैगन काट, चौथा पांचवा से करके सारे बैगन काट दिए सब। तो भाई सारे बैगनों में कीड़े, वही वाली बात थी। अब उसमें ऊपर का मुंह निकल जाए, थोड़ा बहुत नीचे का निकल जाए हिस्सा, तो उससे क्या फायदा, क्योंकि फिर मन नहीं मानता। अगर उस बैगन में कीड़ा निकल जाए तो उस बैगन को चाहे इतना से बचाने का हम नहीं खाते। मैंने भुर्ता खाना, नहीं तो लोग ऐसा करते हैं ना कि जैसे ऊपर का बैगन खराब निकल गया तो निचला हिस्सा बस सही बचा खाने, भाई हम नहीं, हम फेंक देते हैं भाई। जब कीड़ा ही निकला तो उस बैगन को खाना ही क्या। तो भाई मैंने सारे के सारे बैगन फेंक दिए। चारी भी कह रही दादी कछुए जैसे कीड़े थे उसमें। नहीं एक टाइम पे ना भुर्ता बनवाया था कभी मैंने, तो भुर्ते के अंदर कीड़ा निकल आया था, और मतलब पके पकाए बना लिया मैंने, पता ही ना चला कीड़ा कैसे, मेरे लगी उल्टी। हाँ मैं समझ गई भाई कीड़ा वीड़ा था इसमें, तब से भुर्ता छोड़ दिया था मैंने खाना, बहुत दिन बाद खाया। तो वही इस चक्कर में तो आप भी सारे बैगन फेंक के, फिर
फिर मैं आगे हम घूम फिर के आगे अपने आलू मटर की सब्जी पे। बाकी हम तो मम्मी हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, चाहे हम चाय के साथ पराठे खा ले चाहे अचार के साथ। हाँ हम मतलब हमें कभी टेंशन होती ही नहीं खाने की, और नहीं भी खाना होगा तो अपना अपना कोई हिसाब किताब होता है। ज़्यादा और दिमाग खराब हुआ तो अपना चाय बनाई, ब्रश या फैन खा लिए या कुछ उसके साथ नाश्ता पानी सा कर लिया बस। तो हमें टेंशन तो होती नहीं मम्मी और मुझे खासकर। बस अब दोनों बहन भाई का बनाना है, मम्मी पनीर बनाएंगी उनका आज, तो वही वो बन जाएगा। बाकी मैं अब फटाफट आलू मटर छोपती हूँ, खा पी के अपना पेट फुल करती हूँ, क्योंकि अभी हमें आईब्रो वगैरह बनानी है। तो अभी पार्लर हम जाते नहीं, हम काजल ही बना देती है, काजल मेरी बना देती है, मैं उसकी बना लेती हूँ आईब्रो पार्लर। तो फिर ये है, ये काम तो हम अपने आप करेंगे। फिर शाम को तो मैं कपड़ा वपड़ा निकालने में लगती हूँ, फिर शाम को जाना है मार्केट। तो चलिए फटाफट खाना ना कर लेती हूँ, तो चारवी अरवी के कपड़े निकाल के देखूँ कि साफ रखे हैं गंदे रखे हैं पता नहीं कहाँ रखे हैं, ये देखने पड़ेंगे। तो चलिए अभी खाना बनाती हूँ, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं एक बहुत अच्छी सब्जी, और दिखाओ कैसे कौन सी है। देखो ये है सब्जी, और ये बैठे मेरे बच्चे डोरेमोन और यूनिकॉर्न, और एक और बेटी में सो रहे हैं। बेटा उठो। अरे अम्मा सो जाओ। आज हम बना रहे बहुत अच्छी सब्जी, देखो इतना आराम से सो रहे हैं। ये देखो आज हम बनाते हैं सब्जी, आलू मटर की सब्जी बनके तैयार है। ये है मम्मी और पति देव के लिए चाय, और यहाँ मम्मी बना रही हैं। कौन सा पनीर बना रहे हो आज? पता नहीं कौन सा पड़ेगा भाई, काजू का पेस्ट और तनी क्रीम व्रीम क्या क्या दही वही डाल के करा है, और ये कैसा बनता है। ये मम्मी ने पनीर तले थे, ये डाल रही है। तो ये देखिए मम्मी कोई पनीर की तानी कौन सी सब्जी बना रही है, पनीर की बस। अब ये कौन सी बना रही है मम्मी को खुद नहीं पता, बस बना रही है, ट्राई कर रही हूं। आलू मटर की सब्जी रोटी बन के तैयार है। पेट पूजा कर लेते हैं, फिर लगते अपने काम में। आज चलाते टीवी, बहुत दिन हो गए आज टीवी देख के खाना खाते। देखो ये लड़की बैठी हुई है, 12:30 बज गए, इसको स्कूल में जाना है, और ये मोबाइल देख रही है। मैं इसके मैडम के पास भेजूंगी इसकी मोबाइल वाली वीडियो, और ये हमारे घर का शाम के टाइम क्या हाल मचा देती है, बुरा हाल कर देती है। देखो भैया चलो घर, चलो ऊपर जाओ अपने घर, गुड नाइट करो और जाओ जाओ जाओ। इधर देखो कल क्या आएगा पेपर में, अच्छा और कुछ, और कुछ भी तो बता रही थी मम्मा है? जल्दी बताओ, शादी में भी जाना है कल? नहीं पता है। कल शादी में भी जाना है? मैं पता, क्या पहनेगी? अपना ब्लैक वाला फ्रॉक। फ्रॉक या लहंगा? लहंगा। लहंगा मेरा लहंगा बड़ा है महंगा, है ना? आगे लेल पेंट, लेल पेंट नेल पेंट होता है, नेल नेल समझ गई ना। इसने नेल पेंट लगा लिया है, कल स्कूल से आएगी, सुबह तो नहाऊंगी नहीं, स्कूल से आएगी तो नहाओगी, सिर धोएगी और बाल प्रेस करके सीधे करके जाएगी, अपनी बार जूड़ा नहीं बनाएगी। हाँ सिर धोने के लिए मटका है, ये बहुत बेकार लड़की है, बड़ी मुश्किल सिर धोना, बाल भी लंबे चाहिए इसको। अरे हाँ बिगड़ मत जाना, बहुत बोलने लग गया आजकल। चल खड़ी हो, चल चल मैं छोड़कर आ रही हूँ, ढीटस को जबरदस्ती छोड़कर आना पड़ेगा। वासुदेव राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा अब कर्पूर गरम सुना दे। अरे रहन दे कर्पूर गोरा करता नितारम संसारम बुद्ध निंधारम सदा संत अरविंद भवन भवानी नमामि। जय ओम नमः शिवाय।
देख लो भाई चीनी को कितना आता है। देखो मशीन लगाई थी ना, अब ये सारे कपड़े मुझे अरेंज करने हैं क्योंकि कल जाना है फंक्शन में, तो इन सारे कपड़ों को अरेंज करना है इनकी जगह पे। तो भाई रात हो गई है, ये मैडम नीचे से ऊपर नहीं आ रही है, मैं इसे छोड़ के ही आ गई। मैं कहा मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, इसके पापा तो आप देख सकते पीछे सो भी गए हैं। बस मैं अपना बस अब जाके फटाफट से सोंगी हूँ। मुझे आप देख सकती हो आज मैं दिन में नहीं सोई हूँ, आज मैं अपने कपड़ों में ही लगी हुई थी, संभालने में निकालने में कहाँ क्या रखा है, तो बस इसी चीज़ में लगी हुई थी मैं। अब आप बहुत गंदी नींद आ रही क्योंकि आज सुबह से लेट ही नहीं ना, तो अब आलस आ रहा है मुझे। ये तो मस्ती कर रही है मैडम, तो वो कि इन कपड़ों को तो आज अभी भी ऐसे ही रह गए, कहती मैं शाम को कर लूँगी, पर थकावट इतनी ज़्यादा हो रही है मन नहीं कर रहा। मार्केट जाना था आज, मार्केट से भी रह गई क्योंकि मैंने दिन में ध्यान नहीं करा कि स्कूटी में पेट्रोल नहीं है। फिर मम्मी को याद आ गया, मैं हस्बैंड जी को टोक रही थी, मैं कहा आप कहाँ जा रहे हो, पेट्रोल नहीं है। फिर उस धक्के मार के पहुँचानी पड़ेगी पेट्रोल पंप पे, तो फिर कैंसिल कर दिया। मैं कहा छोड़ो ऐसा कुछ देखा जाएगा, मैं कहा कल देख लूँगी, तो मैं बस कल देख लूँगी, कल चार बजे को स्कूल से छोड़ के अगर काम टाइम से नहीं पड़ता तो उसमें पेट्रोल डलवा लूँगी, क्योंकि मैं फिर भगदड़ में रहती हूँ ना, तो ये ना जल्दी से पट्टी देव ना ऐसे उठा ले जाते स्कूटी, ये नहीं देखते उसमें पेट्रोल है कि नहीं है, तो इसलिए कल काम नाम निपटा के कल उसमें पहले पेट्रोल डलवा के लाऊँगी। तो चलिए भाई आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत गंदी वाली नींद, आके सर चकरा रहा है नींद के मारे। तो आपको मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, क्योंकि कल आपको पता ही है कि हमें फंक्शन में जाना है लगन में, तो हम दोपहर में यहाँ से चले जाएंगे घर से। तो चलिए तो आपको कल एक नए व्लॉग के साथ थोड़ा सा मस्ती भरा व्लॉग होगा, तो जब मिलते हैं आपको तो बाय गाइस, गुड नाइट, मुस्कुराते रहे, हमें देखते रहे, बाय गाइस।